अच्छा सो वकार, इनका जो मेकअप है, इनका जो वो किस हिसाब से होता है? हर जगह का ना अलग अलग मेकअप होता है। देखिए जब हम ब्राइडल कर रहे होते हैं या पार्टी मेकअप कर रहे होते हैं, आम लड़कियों कर रहे होते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। लेकिन जब हम रैम के लिए कर रहे होते हैं, वो एक अलग हम मेकअप कर रहे होते हैं, कि वो डिफरेंट होना चाहिए, उसमें क्रिएटिव होना का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिल्म के लिए करते हैं तब आपको कैमरा और सिचुएशन के हिसाब से करना होता है, जब आप टीवी के लिए करते हैं तो आपको तब भी कैमरा सिचुएशन के हिसाब से करना होता है। तो अब जैसे ये रैंप वॉक है, तो यहाँ पर आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहें उस पर कर सकते हैं, इस पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा, ये नॉर्मल क्लोथिंग तो नहीं है? नहीं, ऑफकोर्स अर्ली नॉर्मल क्लोथिंग, देखिए वही वाली बात है कि यहाँ पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल है ही नहीं। जब बाहर आप अगर जाएँ तो बाहर आपको सुबह, जब अगर आप लंदन में सुबह वॉक करें तो आपको लगेगा कि यही वाला फैशन शो हो रहा है, क्योंकि लोग उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं उसके हिसाब से। मैं सिर्फ मेकअप की बात कर रहा हूँ, मेकअप इन लोगों का जो हुआ हुआ है वो किस तरह से हुआ हुआ? कुछ इसमें से जो है वो न्यूड हुए, न्यूड है, बेसिक है, कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ में स्मोकी आईज भी हुई नहीं है, बट ओवरऑल सारा का सारा बड़ा सटल और ड्रेस और सारी चीजें ब्लेंड हुई। लेकिन नोटिस कीजिए कि इनकी स्किन जो है वो नेचुरल नॉर्मल ब्रीथ कर रही है, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे जो इशू होता है वो ये होता है कि जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ स्किन ब्रीथ नहीं करती, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके कलर को जितना ज्यादा बेस होगा उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। दे वांट टू चेंज देयर कलर टोन, कि जितना हम गोरे हो जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे, और उसकी वजह से वो केकी लेयर्स पे लेयर्स लगाते रहते हैं मेकअप। अच्छा, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड ऑल दिस, यू नो बिकॉज़ जो वहां के लोग हैं वो टैनिंग करना चाहते हैं, जो यहां के लोग हैं वो लाइटर शेड पे जाना चाहते हैं। मैं इसके भी खिलाफ, मैं तो कहता हूं आप जो करना चाहते हो आप करो, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ एंड यू फील हैप्पी। उनकी अपनी स्किन के साथ अगर आप चलेंगे तो आप ज्यादा प्यारे, बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। एक बार मुझे किसी ने पूछा था आप कौन सी सेलिब्रिटी का मेकअप करना चाहेंगी, मैंने कहा था मैं ये बता सकती हूँ किसका किसका मेकअप साफ करना चाहूंगी। बताइए कि वायरल कंटेंट, वायरल कंटेंट, अब ये तो वायरल हो गया। हम बताइए, हम गिव मी सम नेम्स किस किस का पहले जो हम वकार देंगे, वकार ज्यादा सेलिब्रिटीज का काम करते हैं। फिल्म में हम जब करते थे उस वक्त हमें हमारा भी एक्सपोजर नहीं था, हम भी ब्यूटी पार्लर से उठ के फिल्मों का मेकअप करने गए थे। उस वक्त तो कैमरे के साथ मॉनिटर भी नहीं होता था, हमें पता ही नहीं होता था कि कैमरे पे आ क्या रहा है। अब जब हम फिल्म करते हैं तो हमने अब एलेक्सा पढ़ा हुआ है, अब हमने मेकअप पढ़ा हुआ है, तो हम उस तरह से करते हैं। आप ग्रूम करते हैं ना चीजें, शुरू में हम भी जब पाकिस्तानी फिल्में होती थी तो हमसे यही कहा जाता था कि मुझे एक टिप दीजिए आप।